फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मेघनाथ शाह जी के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में दिया गया बेल बटन प्रेस कर दीजिए। मेघनाथ शाह का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत अभी का बांग्लादेश के ढाका से 45 किलोमीटर दूर शिरौताली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ साहा था और मेघनाथ साहा का परिवार गरीब होने के कारण उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका कॉलेजिएट स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने ढाका महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। मेघनाथ साहा कोलकाता के प्रेसिडेंसी महाविद्यालय के भी विद्यार्थी थे। सन 1923 से सन 1938 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। इसके उपरांत वे जीवन प्रयत्न 1956 में अपनी मृत्यु तक कोलकाता विश्वविद्यालय में विज्ञान फैकल्टी के प्राध्यापक एवं डीन रहे। सन 1927 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। सन 1934 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वे अध्यक्ष थे। मेघनाथ साहा इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली थे कि उनको प्रतिभाशाली अध्यापक एवं सहपाठी मिले। उनके विद्यार्थी जीवन के समय जगदीश चंद्र बोस, शारदा प्रसन्ना दास एवं प्रफुल्ल चंद्र रॉय अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे। सत्येंद्र नाथ बोस, ज्ञान घोष एवं जे एन मुखर्जी उनके सहमित्र थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ अमीय चंद्र बनर्जी के साथ उनके काफ़ी गहरे संबंध थे। धार्मिक तथ्यों के अनुसार मेघनाथ साहा नास्तिक थे। 16 फरवरी 1956 को उनका देहांत हो गया। एक नज़र में मेघनाथ साहा का इतिहास। मेघनाथ साहा का जन्म जगन्नाथ साहा और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी की 5वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और उनका परिवार गरीब था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। मेघनाथ ने कम उम्र में ही शिक्षा में अपनी रुचि दिखाई थी। इसी कारण से आरंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उनके पिता चाहते थे कि मेघनाथ वही पढ़ाई छोड़कर अपने पिता की दुकान चलाने में सहायता करे। तभी मेघनाथ साहा की भेंट एक नेक आदमी अनंता कुमार से हुई, जो एक स्थानिक डॉक्टर थे। उन्होंने आसान काम के बदले मेघनाथ को पढ़ाने की ठानी। माध्यमिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे 1905 में ढाका गए, जहां कॉलेजिएट स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1911 में उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की और कोलकाता के प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में शामिल हो गए। वहां एक सहपाठी की तरह उनकी मुलाकात सत्येंद्र नाथ बोस से हुई। बोस एक विशिष्ट भौतिक शास्त्री बनना चाहते थे। महाविद्यालय में उन्हें प्रफुल्ल चंद्र रॉय और जगदीश चंद्र बोस ने पढ़ाया था। 1913 में उन्होंने गणित में बीएससी और 1915 में गणित में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेघनाथ साहा के प्रमुख कार्य। मेघनाथ साहा का सबसे बड़ा योगदान खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रहा है। उनका साहा समीकरण विश्व प्रसिद्ध है। यह समीकरण तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। मेघनाथ साहा का योगदान केवल खगोल शास्त्र तक ही सीमित न होकर उन्होंने बहुत से स्वतंत्रता अभियान में भी भाग लिया था। वे भारत को दुनिया की नज़रों में सामान्य पहचान दिलवाना चाहते थे। उनके अतुल्य योगदान को लोग हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इनसे रिलेटेड हमसे कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।